अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं को लेकर मंडी टेबल टेनिस हॉल में सिंगिंग और डांसिंग के ऑडिशन शुरू हो गए हैं। एआरओ कुलदीप गुलेरिया ने बताया कि शनिवार को जहां 53 लोगों ने ऑडिशन दिए थे, वहीं रविवार को भी कई कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से लोग ऑडिशन देने पहुंच रहे हैं और जो 30 लोग इसमें सिलेक्ट होंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेले की सांस्कृतिक संध्या में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ऑडिशन में दिव्यांगों के लिए भी स्थान रखे गए हैं और सिलेक्टेड लोगों को मंच पर मौका दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव समिति द्वारा इस बार पहली बार यह निर्णय लिया गया है कि हिमाचल के सभी जिलों के कलाकारों की भी ऑडिशन करवाया जाए। ये ज़रूरी है कि मंच की गरिमा बनाए रखने के लिए और स्तरीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये ऑडिशन यहाँ करवाए जा रहे हैं। पंडल में ये ऑडिशन हो रहे हैं, टीटी हॉल में 23 से 26 फरवरी तक ये ऑडिशन हो रहे हैं और इसमें सभी जिलों के कलाकार यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस ऑडिशन कार्यक्रम में ले रहे हैं। 23 तारीख को भी 53 से ज़्यादा लोक कलाकार इसमें हिस्सा लेने आए हैं और इस बार ये भी तय किया गया है कि डांस के भी यहाँ ऑडिशन लिए जाएंगे। एकलवी और समूह में सभी के ऑडिशन इस बार ये लिए जा रहे हैं। इस बार ये भी निर्णय लिया गया है कि हिमाचल के 30 जो मेरिट लिस्ट में जो कलाकार होंगे, टॉप में जो 30 रहेंगे, उनको रात्रि कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये समिति द्वारा निर्णय लिया गया है और उसके साथ ही जो 5 जो डांसर टीमें होंगी उन्हें भी भाग लेने का मौका मिलेगा और इसमें दिव्यांग भी शामिल किए गए हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।